थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, अगर आपका बजट एक्सट्रीम लो है या फिर सिंगापुर से आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है तो मॉरिशस आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टडी मॉरिशस। सबसे पहले मॉरिशस का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। मॉरिशस एक आइलैंड नेशन है जो अफ्रीका के ईस्टर्न पोर्ट से थोड़ी दूर इंडियन ओशन में पड़ता है। मॉरिशस भी एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, यहाँ पे इंडियंस अफ्रीकन यूरोपियंस मिल जाते हैं। मॉरिशस की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ की करेंसी इंडिया के ऑलमोस्ट डबल है। मॉरिशस का मेजर इनकम सोर्सेस है टूरिज्म, क्योंकि ये टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लेस है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग अलग कंट्रीज से टूरिस्ट आता है और कंट्रीज के मुकाबले ये थोड़ा सा चीपेस्ट भी रहता है, इसीलिए यहाँ पे टूरिस्ट का ज्यादा फ्लो बना रहता है हर साल। दिस कंट्री आल्सो नोन एज फॉर दी अट्रैक्टिव विजिटर्स फॉर दी बीचेस वाटर एक्टिविटीज ब्यूटीफुल एंड लग्जरी रिजॉर्ट्स। उसके अलावा मॉरिशस हैज आल्सो डेवलप्ड सेक्टर लाइक फाइनेंशियल बैंकिंग एंड टेक्सटाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आल्सो। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते मॉरिशस के बारे में, इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हैं। हम बात करते हैं कि आपको मॉरिशस में स्टडी के लिए क्यों जाना चाहिए। साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं तीन पर्सपेक्टिव पे, आप खुद समझ जाएंगे कि सिंगापुर के कंपैरिजन में मॉरिशस आपको क्यों जाना चाहिए। तो फर्स्ट है कोर्स डाइवर्सिटी। सिंगापुर में आपको बहुत ज्यादा कोर्स वेरिएंट मिल जाते हैं, वहीं मॉरिशस में आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि मॉरिशस एक टूरिज्म प्लेस बन जाता है तो इसलिए वहाँ पे होटल एंड हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म का कोर्सेज लेना वर्थ ही रहेगा। और पाथवे क्रिएट करना दोनों ही कंट्री से पॉसिबल है, बस आपको सही गाइडेंस चाहिए होती है। सेकंड है बजट। मॉरिशस आप सिंगापुर से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ बजट में पहुंच जाते हो, और अगर पार्ट टाइम इनकम की बात करें तो सिंगापुर में वीकली 40 आवर्स अलाउ है और वहाँ पे जो पे रेट रहता है $10 to $15 के बीच में रहता है स्टूडेंट्स के लिए। वहीं मॉरिशस में आपको एक फुल टाइम वर्क भी मिल जाता है, एज अ पार्ट टाइम भी आप वहाँ काम कर सकते हो। वहाँ की जो आपकी मंथली सेविंग रहती है 40 to 50,000 इंडियन रुपीज में रहती है, और मॉरिशस में आप रेगुलर प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हो एज कंपेरिजन टू द सिंगापुर। तो ये प्लस पॉइंट मॉरिशस की तरफ जाता है कि आप ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बन जाते हो वहां पे काम करने से। थर्ड हम बात करते हैं एक्सपेंसेस। सिंगापुर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा, आप किस गूगल करके देखेंगे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि सिंगापुर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है इन द वर्ल्ड। और वहीं अगर कंपैरिजन करें हम मॉरिशस की तो मॉरिशस उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वहाँ लिविंग कॉस्ट आपको अफोर्डेबल रेट में मिल जाती है और वहीं फूड भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है एज कंपैरिजन टू सिंगापुर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियंस वहाँ पे हैं तो आपको खाने की कोई परेशानी नहीं होती है। मॉरिशस आप ऑलमोस्ट 2.5 लाख इंडियन रुपीज लगा के पहुंच जाते हो और वहाँ सेविंग भी सिंगापुर से आप ज्यादा कर सकते हो। वहीं आप सिंगापुर ऑलमोस्ट 4.5 लाख इंडियन रुपीज लगा के जाते हो और उसके बाद भी वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क बने रहते हैं। वो रिस्क और इश्यूज क्या हैं उसके लिए आप साइड वाली वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक